कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलवामा हमले के बाद जब पूरा देश गम में डूबा हुआ था और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम कॉर्बेट पार्क में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि बीजेपी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस के इन आरोपों के बारे में बता रहे हैं गो न्यूज संवाददाता आदेश रावल। जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले के 7 दिन बाद कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि 14 फरवरी को 3:10 पर हमले की खबर आ गई थी, लेकिन उसके बाद 6:45 तक नैनीताल के जिम कॉर्बेट पार्क में प्रधानमंत्री मोदी डिस्कवरी चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट करते रहे। उसके बाद वो एक गेस्ट हाउस में गए और वहाँ पे उन्हें कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की, जबकि कांग्रेस ने कहा कि ऐसी स्थिति में इतने बड़े हमले के बाद प्रधानमंत्री को तुरंत वो डॉक्यूमेंट्री शूट को छोड़ के दिल्ली आना चाहिए था और कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक बुलाकर इसकी जाँच करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब CRPF के जवानों ने एयरलिफ्ट की बात कही थी तो होम मिनिस्ट्री ने उसे खारिज क्यों कर दिया। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि जवानों के लिए आपके पास 5 लाख रुपए नहीं है, लेकिन सरकार की पब्लिसिटी के लिए आपके पास 5,000 करोड़ का बजट है। इससे पहले 14 फरवरी को 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। कांग्रेस ने यह भी सवाल पूछा कि इतनी भारी मात्रा में RDX या एक्सप्लोजिव आखिरकार आया कहाँ से, और अभी तक कांग्रेस का बड़ा आरोप ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी, NSC अजीत डोवाल और राजनाथ सिंह ने किसी ने भी इस इतने बड़े हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले 14 फरवरी को यह हमला हुआ था जिसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।